कि आज उनके अंदर अंतर्कलह इतना ज्यादा है कि उनके खुद के विधायक सुरक्षित नहीं है। मरुधरा की सियासी धारा में राज्यसभा का सियासी संग्राम छिड़ चुका है और शुरू हो चुका है सियासी चौसर में शह और मात का खेल। खैर, गहलोत की बाराबंदी पॉलिटिक्स से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि आज पायलट दो दिनों के दिल्ली दौरे के बाद बाड़े में वापस लौट आए, जिसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के बीच गहन रणनीति बनाई गई। लेकिन अभी तक पायलट कैंप के मंत्री रमेश मीणा का बाड़े से दूर रहना चर्चा का विषय बना हुआ है। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर मंत्री रमेश मीणा की सियासी खिचड़ी बिल्कुल अलग ही पक रही है। लेकिन इन सब के बीच प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे बार बार जीत के दावे कर रहे हैं और भाजपा पर हमला बोलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो सुनिए प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे की द फैक्ट इंडिया से खास बातचीत। राज्यसभा चुनाव के शह और मात के खेल के बीच इस वक्त हमारे साथ अविनाश पांडे जी, प्रदेश प्रभारी हैं और पूरे इस मामले पर पारखी निगाहें बनाए हुए हैं। पांडे जी, जिस प्रकार का शह और मात का खेल चल रहा है, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर आप? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से पूरे देश में लोकतंत्र का माखोल उड़ाते हुए और लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ा रही है और जहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आई हुई सरकार को विस्थापित कर रही है, अस्थिर कर रही है, ये बहुत ही शर्म की बात है और चिंता की विषय है। और इसको लेकर जिस प्रकार से बिना किसी शर्म के, बिना किसी रोक टोक के लोगों को लुभावन देने की कोशिश की जा रही है, धमकाने की कोशिश की जा रही है, उनको उनमें भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, यही प्रयोग राजस्थान में भी हो रहा था। और इसके चलते हुए सभी विधायकों की इच्छा थी कि वो इस प्रकार के भ्रम से दूर रहना चाहते हैं, अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे, इसीलिए सबको यहाँ एकत्रित किया है ताकि 19 तारीख को होने वाले जो हमारे राज्यसभा के चुनाव हैं उसमें निर्भीक होकर, निडर होकर और पूरे आत्मविश्वास के साथ में वो पार्टी के उम्मीदवार। कहना है कि जो सत्ता और संगठन है उसमें तालमेल नहीं है, उसका वो फायदा लेना चाहते हैं। ये वो हमेशा से ही बोलते आए हैं। जब उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर थी तब भी उनके पास में दिखाने के लिए ना ही कोई उपलब्धि है, ना कोई विचार है, ना कोई प्रोग्राम है। भारतीय जनता पार्टी अपने कांग्रेस, अपने खुद के स्वयं के कार्यकर्ताओं और खुद के MLAs को भ्रमित करके रखना चाहती है और इसीलिए वो इस प्रकार के खेल के माध्यम से ध्यान उनका बटाना चाहती है। स्वाभाविक है कि आज उनके अंदर अंतर्कलह इतना ज़्यादा है कि उनके खुद के विधायक सुरक्षित नहीं है। उनका ऑफिशियल कैंडिडेट कौन है और डमी कौन है, आज उसकी सबसे बड़ी चिंता का विषय उनके लिए है, क्योंकि उनके पास में सिर्फ एक ही सांसद चुनाकर लाने की क्षमता है, उतनी ही संख्या बल उनके पास में है। तो दूसरा कैंडिडेट खड़ा कर उनने खुद इस खतरे को बुलाया है और आज उनके यहाँ के विधायक अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। और अगर वो डमी कैंडिडेट के पक्ष में वोट कर देते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। सर, 10 दिन पहले से जो बाड़ेबंदी कर दी गई, तो आपको नहीं लगता कि एक निगेटिव मैसेज जाएगा आम जनता के बीच में, चूँकि सरकार में है, इसके बावजूद 10 दिन पहले बाड़ेबंदी कर देना? देखिए, कोई निगेटिव और पॉजिटिव का सर्टिफिकेट लोकतंत्र को बचाने के लिए, चिंता उसकी नहीं, चिंता इस चीज़ की होनी चाहिए कि जो कोशिशें और प्रयत्न आज गुजरात में क्या हो रहा है, वहाँ तो 20 दिन पहले से शुरू है, भारतीय जनता पार्टी 20 दिन पहले से अपना नाच दिखा रही है। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, आपका गोवा में क्या हुआ, तो ये जो बात है 10 दिन, ये तो ऐसा है कि कोई अपने शौक से ये नहीं करता, लेकिन एक जिम्मेदारी, जिम्मेदार पार्टी के नाते, एक जिम्मेदार यहाँ के सरकार की स्थिरता के खातिर और लोगों को आज जब कोरोना में राहत की आवश्यकता है, लोगों को सरकार की ज़्यादा आवश्यकता है, ऐसे स्थिति में किसी प्रकार की अस्थिरता ना आए और उसको कायम रखने के लिए कदम उठाया गया। कितना स्वस्थ हैं जीत के लिए, क्या लगता है कि क्रॉस वोटिंग? 100% कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार सिर्फ बहुमत नहीं, भारी बहुमतों से चुनकर आएंगे। 125 विधायकों का समर्थन कांग्रेस को हासिल है और हमको इस विषय में किसी प्रकार की चिंता नहीं। तो ये थे प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि वो जो कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनकी जीत के लिए पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं रुपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, जयपुर।